नमस्कार किसान भाइयों, ये देख सकते हो हम ये ज़्यादा ही मतलब नीचे हो गई। अब ये देखो बैठ रहे हैं ऐसे, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। ये बैठ रहे हैं, ये इसको इस वजह से हमको उठाना पड़ रहा है, थोड़ा और उठा देंगे। हाँ पी लेंगे सब। वो पी रहे देखो आराम से, हमने देखो इतनी उठा दी है, ये उठा रहे देखो अभी। ज़्यादा उड़ गई सिवा, ये ज़्यादा उड़ गई इधर से, थोड़ी सी डाउन कर। हाँ पी लेंगे अब। ये देखो आपके सामने दिख रहा है सब सामने, ये हम ऐसे, और ये हमारा देसी जुगाड़, इससे हम उठाते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। देखो ये आराम से पी रहे, इतना ऊपर है फिर भी। देखो आपको सामने पास से दिखा सकता हूँ मैं, ये देखो आराम से पानी पी रहे, देखो वो देखो आराम से पानी पी रहे। ये इसमें से ये हटा देना है, ये गंदा हो रही है, ये देख सकते हो सब उठा देना। हाँ पूरा उठा दे, ये देखो ये बहुत नीचे है गर्दन, हम नीचे नहीं रहने देंगे, इसके लिए ऊपर ही रखेंगे। ये देखो पूरा लाइन से, और ये निप्पल में पानी पी रही है, ये रात भर से पानी नहीं है सिवा, अभी मैंने दूसरी टंकी में लगाया तो ये पानी आया है। हाँ तो ये देखिए ये सब पानी पे लगे हैं, ये देख सकते हो आप सारे पानी पे लगे हैं निप्पल पे, ये देख सकते हो सारे निप्पल पे लगे। देखो ये हम क्या एक्स्ट्रा रख रखते हैं पानी, और मूवमेंट देख सकते हो हमारे फार्म का, और ये पूरा उठा दिया देखो, इतना आसानी से पी रहे देखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी न्यू फार्मर है वो निप्पल सिस्टम ही लगाएं, और निप्पल अगर आप किसी को चाहिए एकदम ऐसा हेवी क्वालिटी वाला तो ये खेती पे चीटी लगाते हैं। हाँ ये जो सामने आसान हो जाता है पानक करना, वह ऐसे इसका खेल है। ये उठा दे ऊपर उठा, ये हमने आज निप्पल ऑन ऊपर उठाई है, देखो सामने दिख रहे हो पानी पी रहे, देखो ऊपर उधर सामने उठा दे, इसको बाहर नहीं निकाला। अरे पी लेगा वो सब, ये देखो निप्पल उठाई इधर की, देखो ये ऊपर उठा दी, देखो आराम से पी रहे हैं, ये देख सकते हो आराम से पी रहे हैं। देखो और उधर की देख लो, उधर की देख सकते हो आप पास की, इधर नीचे ज़्यादा है। ये अभी पानी चालू किया है तो ये इस वजह से यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, ये देख सकते हो इधर, ये पूरी लाइन लगी हुई, देखो इधर अब इधर चले जाएंगे। ये देखो आसानी से पी रहे पानी, इधर पूरा आसानी से पी सकते, ऊपर नीचे जितनी करना हो इतनी कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर आज का 32 है, देख सकते हो आप इधर एकदम बढ़िया सिस्टम है। हमको कुछ भी नहीं करना रहता, बस पानी डालना रहता है और दाने, बस और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं इसमें। वो उसमें क्या बार बार डालना पड़ता है वो पुराने सिस्टम में। ये हमारी इच्छा थी एसी बनाने की, ये देखो ये एसी बनाने की, एसी बनाने की इच्छा थी हमको तो। ये सब उठा दे ऊपर, ये इधर का भी कर देना है सिवा, ये भी कर देना, वो भी करना। हाँ कर लेना यार सिवा यार, ये दो तो करती है। हाँ जम रही है, ये देख जूते उनमें देख सकते हो, एकदम हमारा साधारण सा पोल्ट्री फार्म, एकदम साधारण पोल्ट्री फार्म है हमारा सिस्टम। हमारा मतलब फार्म एसी का बनाना चाह रहे थे हम, वो बजट का थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हमने, ये देखो यहाँ एग्जॉस्ट फैन लगता है, यहाँ पे भी एग्जॉस्ट फैन, यहाँ भी एग्जॉस्ट फैन, और उधर कूलिंग पेट के लिए हमने जगह छोड़ रखी थी, तो अभी नॉर्मल में ही चला रहे, अभी फिर बना लेंगे एसी वाला बनाएंगे इसके बाद, इसको इसी को एसी में तब्दील कर देंगे। ये देखो निप्पल सिस्टम तो है ही सही, कोई दिक्कत नहीं हमको, पूरा एसी वाला सिस्टम है, सिर्फ ये तीन फैन लाना है और वहाँ कूलिंग पेड लाना, बाकी कुछ भी नहीं। हमने पहले से ही वाटर टैंक बना रखा, देखो अभी बताऊँगा मैं आपको, तो वाटर टैंक वहाँ पे पहले ही बना रखा है वो कूलिंग पेड के लिए, देख सकते हो अभी कूलिंग पेड का बताता हूँ मैं अभी जाके। ये ज़्यादा भगाना मत है,
ज्यादा भगाने से मरते हैं ये। उठा दे वो, अरे जमी क्या रही, ये देखो अभी तक नहीं उठाई, 32 डिग्री है। अब नीचे करेंगे इसको पूरे फार्म को, मैं देखो वाटर टैंक दिखाता हूँ। हमने ये एसी के लिए रख रखा था, पूरा एसी बनाना हमको फार्म पूरा। अभी इधर ऐसा ही है, ये चूना भी नहीं लगा इधर यहाँ पे। ये देखो एक तो ये बड़ा जो इसके लिए हमेशा, ये पानी के लिए, ये इधर और एक अंदर रख रखा हमने कूलिंग पेट के लिए। इधर देख सकते हो ये सामने अभी भर के नहीं रखा उसको, यहाँ पर ये पूरा दिख रहा है सामने। ये अभी ढक्कन लगाना है सामने, हम ऐसे ही बनाना चाहेंगे अब इसको आगे, क्योंकि नॉर्मल में बच्चे कम आते हैं और एसी में ज़्यादा आते हैं। और ये हमारी सिमरन कंपनी का फीड पड़ा इधर, और ये बुरादा इधर साइड में, और ये टंकी ख़त्म हो गई थी तो लेबर मैंने ध्यान नहीं रखा, ये अभी लगाई मैंने। देखो इधर हम एक्स्ट्रा भर के रखते हैं, ये साधारण पानी है इसमें और इसमें अभी मेडिसिन मिलाएंगे, मेडिसिन मिला के देंगे इसमें। और ये सिस्टम तो देख ही रखा होगा हमारे फार्म का, ये पूरा कैसे हर जगह से खुल जाता है। और अभी जस्ट निप्पल हमने ये उतार दे सब नीचे, जस्ट अभी निप्पल होने ऊपर चढ़ाई हमने, क्योंकि वो नीचे हो रहा था पूरा। वो निकल रहा बाहर फिर से, देखो तो कैसा रखा तुमने, ये डिब्बे उन भी उधर साइड में कर दो, मतलब नहीं इनको रखने में, ये बीमारी कर देंगे ये डिब्बे उन। हाँ ये बेच देना इनको, ये देखिए बाहर घूम रहे, इनको उधर अंदर करो, दाने नहीं खाएंगे तो फिर बॉडी वेट कम रहेगा, वैसे ही बॉडी वेट कम है ये, इसकी वजह से बॉडी वेट कम बैठा हमारा। मतलब हमने 3 दिन सलंग रखा इसमें ये डिब्बे उन में, क्योंकि बिजली मतलब ये पावर कम मिलता है, इस वजह से हमने इसके अंदर रखना पड़ा। हमारे पास वो हमने ये डिब्बे रखे थे पिछली बार, पिछले लाड आया था जब ये डिब्बे रखे थे, इस बार नहीं रखा, ये डिब्बे रखे थे इसके अंदर जलाते थे हम मिट्टी, ये इसके अंदर जलाते थे, ये डिब्बा काट के इस टाइप का काट दिया, यहाँ से जला देते थे और ये रात भर जलते थे, 4 डिब्बे थे इसे। इस बार नहीं किया था हमने, कहा इस बिजली ये हेलोजन से ही काम हो जाएगा। बाकी देखो सब उठा दी, देखो आराम से पानी पी रहे, देखो इतना उठा दिया फिर भी आराम से पी रहे, देखो पानी ये इतना उठाने के बाद भी पानी पी रहे, देखो इससे और उठा भी सकते हैं फिर भी पानी पियेंगे। और पहले दिन से जिस दिन से आते हैं उस दिन से ही पानी पी रहे इसी में, हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ गुड़ का पानी और सोडा डाला उसमें, वो टंकी में मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, और बाकी कुछ भी नहीं किया हमने, बाकी इसमें सही सब चल रहा है। अगर कोई न्यू फार्मर हो तो यही निप्पल सिस्टम ही लगाए, थोड़ा महंगा पड़ेगा उससे, उसमें क्या बार बार पानी मतलब लगाना पड़ेगा, और इसमें ज़रूरत ही नहीं, एक बार लगा दिया कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमने 2 दिन पहले पानी लगाया था वो छोटी टंकी में, आज ख़त्म हुआ है, और ये दाने लगा दिए देखो पूरे, शाम तक ख़त्म हो जाता है। अभी दाना अच्छा खा रहे, अभी ठंडा मौसम है इस वजह से दिन में नहीं खा पाते, शाम को खाते हैं। फिर अभी इनके लिए ये पहले से ही तैयार कर दिए, इधर स्पेस भी बढ़ा देंगे हम आगे, ये देखो ये बड़े बर्तन पहले से लगा रखे हमने, ये इधर स्पेस बढ़ा देंगे और आगे पूरा देख सकते हो पूरे फार्म में। जैसे भी वो मुझे कमेंट में बताना कि क्या कैसी व्यवस्था है हमारे फार्म की, कैसे गंदा है या ख़राब है अच्छा है, जैसा भी वो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई हमेशा देता रहता हूँ। जो मुझे कमेंट करता है उसका रिप्लाई मैं हर एक का रिप्लाई देता रहता हूँ, मुझे कमेंट में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा।